गुड मॉर्निंग बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री है आधुनिक भारत का इतिहास और बीए बार थर्ड ईयर की क्लास है। बीए बार थर्ड ईयर आधुनिक भारत का इतिहास और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के रीजन क्या है, इसका क्या रीजन है, कौन कौन से इसके परिणाम हैं और उनके परिणामों की चर्चा करेंगे बच्चों आज हम। भारत छोड़ो आंदोलन के अगर देखा जाए तो इसके प्रारंभिक कारण भी कुछ रहे थे और इसके मेन कारण भी कुछ रहे थे। मेन इसका रीजन क्या रहा था भारत छोड़ो आंदोलन का और इसके प्रारंभिक कारण क्या रहे थे। प्रारंभिक कारणों की बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी वकील की पढ़ाई करने कहाँ चले गए थे बच्चों, वकील की पढ़ाई करने के लिए ये दक्षिण इंग्लैंड में जाते हैं और वकील की पढ़ाई करके ये दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। वहाँ काले और गोरे लोगों के बीच जो सत्याग्रह चलाते हैं। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1915 के अंदर और ये भारत में आ जाते हैं और प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 1915 में भारत में इनका आगमन होता है। इनके आगमन होने के बाद बच्चों महात्मा गांधी का भारत में आगमन होने के बाद यहाँ ये 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड के अंदर प्रथम वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कौन सा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो ब्रिटेन को मतलब जो है इंग्लैंड को क्या होगी, भारत से सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। भारत से सैनिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब उनको महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन थे जो भारत में आए हुए थे और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अपना क्या बनाया, महात्मा गांधी को अपने पास से बुलाया और कहा कि यही शख्स ऐसा शख्स है जो अंग्रेजों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। और महात्मा गांधी ने भारत में 1915 में जब महात्मा गांधी की एंट्री हुई थी तो महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज जो है वो हमारे हितैषी हैं और 1914 से 1918 का जो प्रथम वर्ल्ड वार में अगर अंग्रेज जीत जाएंगे तो वो हमें आज़ाद कर देंगे, हमें स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। और इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें महात्मा गांधी ने भारतीयों से की थी और अंग्रेजों ने यही चिकनी चुपड़ी बातें महात्मा गांधी से की थी। महात्मा गांधी ने कम से 1,00,000 से ज़्यादा सैनिकों को इंग्लैंड की सहायता करने के लिए और सैनिक के रूप में उनको वहाँ भेज दिया था और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में इंग्लैंड के पक्ष में शामिल होने वाले 1,00,000 लोग गए थे हिंदुस्तान से और महात्मा गांधी को एक नई उपाधि प्रदान कर दी थी, सेना में भर्ती होने वाला सार्जेंट कहा गया था। बच्चों क्या कहा गया था, सेना में भर्ती होने वाला सार्जेंट कहा गया किसको, महात्मा गांधी को एक नई उपाधि दे दी थी। और महात्मा गांधी जब अंग्रेज जीत गए थे और जीतने के बाद जब उनको पता चला कि महात्मा गांधी का पूरा सहयोग था तो महात्मा गांधी को एक उपाधि दे दी थी, केसरे हिंद की उपाधि दे दी थी। लेकिन उपाधियों से काम नहीं चलता है बच्चों और इसके बाद अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ा, इतना शोषण बढ़ा और महात्मा गांधी को भी जब इस बात का पता चल गया था और धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों ने एक 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 करके रॉलेट एक्ट आ गया था। रॉलेट एक्ट में बिना वकील के, बिना दलील के, बिना अपील के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था और इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया था। बाद में पंजाब में अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड में एक हिंदू लाला हंसराज भाषण दे रहे थे, क्या दे रहे थे बच्चों, भाषण दे रहे थे और वो भाषण दे रहे थे और उसी समय क्या है कि एक जनरल डायर, एक शैतान जनरल डायर जो था उसने बिना आदेश गोलियां चला दी थी और लाखों लोग मारे गए थे, घायल हो गए थे। महात्मा गांधी को भी दिल्ली में उनको बंदी बना के और वापस महाराष्ट्र में भेज दिया था, उनको गुप्त कर दिया था। जांच कमेटी भी बिठाई गई थी, जनरल डायर को शेर घोषित किया गया था और वो कहा कि ये ब्रिटेन का शेर है, ये इंग्लैंड का शेर है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इस तरह ये हिंदुस्तान में भारत में शोषण अंग्रेजों का बढ़ता जा रहा था, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की सफल हो रही थी
और जो है कांग्रेस के नेता जो है मुंह देखे ताक रहे थे, फिरोज शाह मेहता, महात्मा फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये सब अंग्रेजों की देन पर ही, अंग्रेजों की सिस्टम को ही अच्छा मान रहे थे कि अंग्रेजों का सिस्टम ही सबसे अच्छा है। बाद में साइमन कमीशन आ गया था, सात जो थे वो सातों अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में लाला जी की हत्या हो गई थी, लाठियां बरसाई गई थी, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर लगे एक एक जो लाठी है वो ब्रिटेन के लिए, अंग्रेजों के लिए कील साबित होगी, उनके लिए कील साबित होगी। और साइमन कमीशन के बाद धीरे धीरे और अंग्रेजों का सिस्टम चलता रहा। अब देखिए, तो ये जो प्रारंभिक कारण रहे थे, ये कौन से कारण रहे थे? प्रारंभिक कारण रहे थे, यहाँ अब मेन रीजन की हम बात करेंगे। तो मेन रीजन में हम पहुँचते हैं, तो देखिए 1939 से लेके 1945 में अब पूरे जो है पृथ्वी पे या पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कौन सा विश्व युद्ध शुरू हो गया था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ तो मित्र राष्ट्र है, जर्मनी है, इटली है और ऑस्ट्रिया है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है और यूएसए, अमेरिका बाद में इसमें शामिल होता है। और प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर जर्मनी का कौन था? हिटलर था बच्चों, तानाशाही शासक था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 1939 से लेके 1945 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब दूसरे विश्व युद्ध में भारत के में क्या होता है? एक तरफ कौन है? कांग्रेस है, और एक तरफ कौन है? मुस्लिम लीग है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ मुस्लिम लीग है। कांग्रेस ये कह रही है कि भारत के लोग युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, कौन सा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है बच्चों, उसमें भारत के लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस कह रही है होंगे या नहीं होंगे, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने अब इस मौके पर क्या करती है? कांग्रेस प्रांतीय सरकार जो होती है, प्रांतीय सरकारें अपना इस्तीफा दे देती है। दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हो गया था उसी समय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें क्या हो गई थी? प्रांतीय सरकारों ने अपना क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इसी समय मुस्लिम लीग जो है बच्चों, कौन? मुस्लिम लीग ने 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में इस दिन को बनाया गया था। कौन सा? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया। मुक्ति दिवस कौन सा है? 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मुसलमानों का जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मुस्लिम लीग में कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की अली खां बंधुओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगा खान और सलीमुल्ला खान ने मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना की थी। तो यहाँ मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया था, यहाँ एक समुदाय बने हुए हैं, यहाँ कांग्रेस का एक समुदाय बना हुआ है, मुस्लिम लीग का, ये दो ही फेमस हैं। एक कांग्रेस फेमस है, एक मुस्लिम लीग फेमस है, और भी हिंदू महासभा समुदाय बने हुए, अल्पसंख्यक समुदाय बने हुए, अलग अलग समुदाय बने हुए। जैनियों का एक समुदाय बना, बौद्ध धर्म का एक समुदाय बना, ईसाई धर्म का एक समुदाय, बहुत सारे अलग अलग समुदाय। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो उभर कर केवल दो ही समुदाय हमारे सामने आते हैं, और पहला समुदाय कांग्रेस का समुदाय हमारे सामने आता है, और दूसरा मुसलमानों का समुदाय हमारे सामने आता है। कांग्रेस के समुदाय में ये कांग्रेस के जो नेता लोग हैं और कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकारें बनी हुई है, प्रांतीय सरकारों ने अब क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, हमें काम नहीं करना है, अब हमें अंग्रेजी सरकार में हमें कोई भी काम नहीं करना है। और इसी को देखकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस बनाया था। कौन सा मुक्ति दिवस बनाया था? कि कांग्रेस की क्या हो गई बच्चों? मुक्ति हो गई। कांग्रेस की क्या हो गई? मुक्ति हो गई। कांग्रेस की मुक्ति हो गई अब, और कि अब जनता जो है कांग्रेस के कुशासन से जनता को क्या मिल गया? जनता आजाद हो गई। कांग्रेस के कुशासन से जनता आजाद हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हो, मुस्लिम लीग कह रही है। कौन कह रही है बच्चों? मुस्लिम लीग कह रही है। तो पहली चीज तो ये होगी 1939 में उधर वर्ल्ड में तो युद्ध चल रहा है, और इधर भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीति चल रही है। क्या चल रही है? राजनीति चल रही है, ठीक है यहां तक।
अब अगस्त प्रस्ताव आएगा, अब कौन सा प्रस्ताव आएगा, अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1939 को एक प्रस्ताव रखा गया था जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव किसने लगा था, वायसराय कौन था, वायसराय कौन है बच्चों, लॉर्ड लिन लिथगो, ये कौन है, लॉर्ड लिन लिथगो। वायसराय का नाम क्या, लॉर्ड लिन लिथगो वायसराय है ये। और लॉर्ड लिन लिथगो ने कांग्रेस को खुश करने के लिए कांग्रेस के सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे, और वो कौन कौन से मुद्दे रखे थे, पहला मुद्दा कौन सा होता है, दूसरा मुद्दा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, और चौथा मुद्दा कौन सा होता है। पहला मुद्दा गवर्नर जनरल यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से संबंधित होता है पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा होता है युद्ध परामर्श समिति, कौन सी समिति है ये समिति कौन सी है बच्चों, युद्ध परामर्श समिति से दूसरा मुद्दा शुरू होता है, युद्ध परामर्श समिति। तीसरा मुद्दा किससे संबंधित होगा, अल्पसंख्यक से संबंधित होता है, ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा कौन सा होता है, डोमिनियन स्टेट से संबंधित। चार मुद्दे हैं। अब ये चार मुद्दे कौन कौन से होते हैं, वायसराय कौन है, लॉर्ड लिन लिथगो, 1940 में कौन सा प्रस्ताव रखा गया था, अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, पहला मुद्दा क्या है बच्चों, पहला मुद्दा ये है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या, अगर टोटल 8 सदस्य संख्या है तो 5 और यहाँ 6 सदस्य कौन होंगे, कांग्रेस से लिए जाएंगे, भारतीयों की सदस्य संख्या को बढ़ाया जाएगा, मुसलमानों की नहीं बच्चों, भारतीयों की सदस्य संख्या को बढ़ाया जाएगा। पहला मुद्दा, युद्ध परामर्श समिति ये फैसला करेगी कि युद्ध के बाद में और जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा के निर्माण के अंदर क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या क्या घटनाएं, वो सब प्रथम सेकंड वर्ल्ड वार युद्ध जब फिनिश हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वार के फिनिश युद्ध के बाद में युद्ध परामर्श समिति ये फैसला करेगी कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दे दिया गया था, अल्पसंख्यकों को यह कह दिया था कि जो भी कार्य आप किए जाएंगे वो सब आपसे पूछ के किए जाएंगे, जो भी राज्यों के साथ समझौता किया जाएगा वो आपसे पूछ के किया जाएगा, उनको वीटो पावर दिया गया। तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा, डोमिनेंट स्टेट्स की बात बिल्कुल अल्प बहुत थोड़े समय के लिए ही डोमिनेंट स्टेट्स की बात की गई थी। और इस तरह ये चार मुद्दे किसमें आए थे, अगस्त प्रस्ताव में कितने मुद्दे आ गए थे बच्चों, चार मुद्दों पर बात की गई थी, ठीक है। ये 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहलाता है जो भारत छोड़ो आंदोलन का मेन कारण था बच्चों, मुख्य प्रमुख कारणों के अंदर अभी मैंने बताया था 1939 से 1945 तक प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था और शक्तियों का पूरा प्रेशर था कि भारत को अब आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि अब लॉर्ड लिन लिथगो था, अब उदारवादी सरकार भी आने वाली है और भारत को वो आजाद करने के समर्थन में थी। कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर उदारवादी लोग जीत गए थे और भारत को आजाद करने की बातें चल रही थी, और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए, भारत में आजादी की लड़ाई के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में सभी लोगों ने सपोर्ट किया था पूरा। ये मेन कारणों में हम ये कारण देखे जा रहे हैं, पहला 1939 का, दूसरा वर्ल्ड वॉर पहला कारण था और दूसरा कारण अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला दूसरा कारण था। अब हम ये देखेंगे कि तीसरा रीजन क्या है, तो तीसरा रीजन क्या होगा, तीसरा होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया था कि अब जो है कांग्रेस क्या करेगी, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगी, प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, सत्याग्रह करेगा, किसके लिए करेगा, देश को आजाद कराने के लिए, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा। भारत में
कब शुरू हो गया ये? 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे का नाम विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत आंदोलन को शुरू करने वाले, व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने वाले विनोबा भावे थे। विनोबा भावे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे, किससे? महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। भूदान आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन चलाया था? विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। दूसरे कौन थे बच्चों? जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था और यही आगे चलकर कौन सा? दिल्ली चलो कहलाया था। ये दिल्ली चलो आंदोलन कहलाया था, जवाहरलाल नेहरू वाला ही आगे चलकर कौन सा आंदोलन कहलाया? दिल्ली चलो आंदोलन कहलाया था। ठीक है, दिल्ली चलो। तीसरे नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सत्याग्रही थे। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भी भारत जोड़ो आंदोलन का एक कारण माना जाता है, प्रमुख कारण माना जाता है बच्चों। ठीक है, अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में अब आता है आपके कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे बच्चों। चर्चिल जो है वो ब्रिटेन के पीएम थे। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में अब हम देखेंगे 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा? 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 में भारत के अंदर कौन सा प्रस्ताव आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। ये भारत जोड़ो आंदोलन का तात्कालीन कारण माना जाता है। 1942 में कौन सा प्रस्ताव आया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम से जाना जाता है। ये एक सदस्य ही मिशन होता है। ये भारत में आया था। कब आया था? 1942 में ये भारत में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव की कौन कौन सी शर्तें होती है? पहली शर्त क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है और पांचवी शर्त कौन कौन सी है? तो पहली शर्त, पहला मुद्दा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है? पहला मुद्दा क्रिप्स प्रस्ताव का पहला मुद्दा कौन सा है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद पहला मुद्दा। ठीक है, दूसरा मुद्दा कौन सा है? युद्ध परामर्श समिति दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा कौन सा है? पहला मुद्दा कौन सा है? कार्यकारिणी परिषद। दूसरा मुद्दा कौन सा है? युद्ध परामर्श समिति। तीसरा मुद्दा कौन सा है अल्पसंख्यक। चौथा मुद्दा कौन सा है राज्यों का मुद्दा। ठीक है, राज्यों से संबंधित मुद्दा है। 1 2 3 4 कितने हो गए? चार मुद्दे हो गए थे। और पांचवा मुद्दा कौन सा है? डोमिनियन स्टेट्स है पांचवा मुद्दा। छठा मुद्दा क्या है कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक इंडिया की सुरक्षा का मामला कौन? ब्रिटेन करेंगे अंग्रेज करेंगे। कितने मुद्दे हो गए? 6 मुद्दे हो गए। ठीक है बच्चों, देखिए पहला मुद्दा क्या है, पहला मुद्दा सुन लो एक बार बच्चों। पहला मुद्दा क्या है?
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, पहला मुद्दा, ठीक है, ओके। दूसरा मुद्दा कौन सा है, युद्ध परामर्श समिति बनाई जाएगी, युद्ध के बाद में फैसला लिया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किस तरह किया जाएगा, निर्वाचन किस तरह किया जाएगा, मनोनीत सदस्यों को कैसे बुलाया जाएगा, संघ का निर्माण किया जाएगा, कौन कौन से संविधान सभा की बैठक की जाएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, सचिदानंद जो है उसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव, कितनी बैठक होगी, कब हमारा संविधान बन के तैयार होगा, कब ब्रिटेन लॉर्ड माउंट, तो ये सब चीजें जो है वो युद्ध के बाद भारत वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसके बाद ही फैसला किया जाएगा, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा क्या है, जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जैनी जो थे वो अल्पसंख्यक मात्रा में थे, बौद्ध धर्म के लोग अल्पसंख्यक मात्रा में थे, जो ईसाई धर्म के लोग अल्पसंख्यक थे, ऐसे अल्पसंख्यक लोगों से ये पूछकर फैसला किया जाएगा, भाई आप जो है कांग्रेस में शामिल होना चाहते हो, हिंदू महासभा में शामिल होना चाहते हो, मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहते हो, देसी रियासतों में शामिल होना चाहते हो, आप कौन से किस जगह आप जाना चाहोगे, आप क्या चाहोगे, ये उनको वीटो पावर दिया गया था। ये दूसरा मुद्दा था। कौन सा मुद्दा था, दूसरा मुद्दा था। अब राज्यों को ये पूरा अधिकार था कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे, या वो कहीं और जाना चाहते हैं, या अपनी स्वतंत्र सरकार रखना चाहते हैं, या संघ में शामिल होना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये राज्यों से, देसी राज्यों से पूछकर ये आगे का फैसला लिया जाएगा। कौन कह रहा है, ये क्रिप्स प्रस्ताव कह रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स जो थे ये उदारवादी लोग थे, क्रिप्स जो था स्टफोर्ड क्रिप्स उदारवादी था, ये भारत को आजाद कराना चाहता था, ये भारत के आजादी के समर्थक लोग थे, और ये चाहते थे कि जैसा भारत के लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। ये अब देखिए राज्यों का मुद्दा भी हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 मुद्दे हो गए। पांचवें नंबर पे आइए, पांचवें नंबर पे आता है डोमिनियन स्टेट्स का दरवाजा। डोमिनियन स्टेट उत्तरदायी सरकार, भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार का फैसला सुनाया जाएगा, उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कहा जाएगा कि वो अपनी उत्तरदायी सरकार स्थापित करे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अभी क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स कह रहा है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से ही क्या है, दूसरे विश्व युद्ध जर्मनी का हिटलर है, इधर इटली का मुसोलिनी है, और यहाँ मित्र राष्ट्रों में और जर्मनी और फ्रांस, इटली, ये लोग जो हैं आपस में लड़ाई हो रही है, और हिटलर जो है वो फ्रांस के बेल्जियम के रास्ते होता है, वह फ्रांस पर हमला करता है, लंदन में धड़ाधड़ बम गिराए जा रहे हैं, लंदन पर इतना जबर इतने बम गिराए कि लंदन तबाह हो गया था, ब्रिटेन घबरा गया था, इंग्लैंड घबरा गया था, उधर जापान का प्रेशर हो रहा है हिंदुस्तान को आज़ाद करो, इधर इतने प्रेशर हो रहे हैं, ऐसी सब सिचुएशन को देखकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था इंडिया में। यहाँ कि अभी युद्ध चल रहा है, स्टेफोर्ड क्रिप्स कह रहा है कि अभी युद्ध चल रहा है, और अभी इंडिया की सुरक्षा का मामला अंग्रेजों के ऊपर है, किसके ऊपर है, अंग्रेजों के ऊपर है, विदेशी मामला अभी हम इंडियनों के हाथों में सौंप नहीं सकते, इंडियंस के हाथ में अभी हम नहीं सौंप सकते हैं। ये कौन सा है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का। जब ये सारी बातें इन्होंने स्टेफोर्ड क्रिप्स ने सारी बातें बता दी थी, बच्चों क्या बता दी थी, सारी बातें बता दी थी, तब महात्मा गांधी आए वहां पे, और महात्मा गांधी ने ये क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स को कहा कि ये उत्तर तिथीय चेक है, ये महात्मा गांधी ने कहा कि ये उत्तर तिथीय चेक है, ये कौन सा चेक है बच्चों, ये उत्तर तिथीय चेक है। उत्तर तिथीय चेक का मतलब होता है, उत्तर तिथीय चेक का मतलब होता है बच्चों कि ये पोस्ट उत्तर तिथीय चेक है, उत्तर तिथीय पोस्टडेट चेक है, ये कौन सा है, पोस्टडेट चेक है, ये पोस्टडेट चेक है, यानी इसका कोई लेना देना कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें और एक लाइन और जोड़ दी थी, उत्तर तिथीय चेक पोस्टडेट चेक में एक लाइन और जोड़ दी थी कि ये पोस्टडेट चेक जिसकी तारीख निकल गई है
और ये एक दिवालिया बैंक का चेक है, ये किसका है, एक दिवालिया बैंक का चेक है, इसकी तारीख निकल दी है, ये एक संज्ञा दी गई थी, और वो कौन से आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में स्टेफोर्ड क्रिप्स जो प्रस्ताव लेकर आया था उस पर दो लोगों ने अपनी टिप्पणी की थी, एक तो महात्मा गांधी ने अपने वचन कहे थे, एक जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। महात्मा गांधी ने कहा क्या कहा था, उत्तर तिथि बाद वाला चेक है ये, इसकी तारीख निकल गई, और इधर जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिवालिया बैंक का नाम दिया, दिवालिया बैंक, ये दिवालिया बैंक इसको कहा था। कहने का मतलब है क्रिस्प प्रस्ताव की जो धाराएं जो थी, जो ये मुद्दे लेकर आया था, ये मुद्दे लेकर आया था, ये जो पहला मुद्दा ये था, दूसरा ये था, तीसरा, चौथा, पहला कार्यकारिणी परिषद से संबंधित था, दूसरा युद्ध और परामर्श समिति से संबंधित था, तीसरा अल्पसंख्यक समिति से संबंधित था, चौथा राज्यों का मुद्दा था, और पांचवा मुद्दा डोमिनियन स्टेट्स का था, और छठा मुद्दा युद्ध चल रहा था, और युद्ध की भारत की सुरक्षा करना अंग्रेजों का फर्ज था। तो ये जितने भी मुद्दे थे, महात्मा गांधी ने कहा कि आपके ये जितने भी मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं उत्तर तिथि छह के, ये तारीख के बाद के, कि तुम सब ये मुद्दे वर्तमान में अभी और यही, अभी मैं अभी यही हूँ, अभी यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। कहने का मतलब अभी और यही के वर्तमान के, वर्तमान की बात नहीं हो रही, ये सब भविष्य फ्यूचर की बात हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हमें फ्यूचर में नहीं, अभी की बात कीजिए। स्टेफोर्ड क्रिप्स को कह रहे कि अभी तुम क्या करना चाहते हो, अभी कौन थी तुम्हारी शर्तें हैं, अभी के लिए कुछ नहीं था, अभी के लिए कुछ नहीं था बच्चों, अभी के लिए कुछ नहीं था, तो ये सब बाद की, बाद का था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई ये आपका बैंक जो है दिवालिया बैंक है, अभी कुछ नहीं है, फ्यूचर में सब कुछ है, फ्यूचर कल किसने देखा, आज का पता नहीं है, कल किसने देखा, पल पल का पता नहीं है, पल पल परिवर्तन, परिवर्तन ही इतिहास है बच्चों, परिवर्तन ही इतिहास है, पल पल परिवर्तन है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, अभी हमारे लिए तुम क्या बुद्धि लेके आओ, क्या शर्त लेके आओ, अभी के लिए कुछ नहीं था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने कहा कि अभी कुछ नहीं है तो अभी हमारा आंदोलन शुरू होगा, और वो हमारा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू करेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मतलब अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा अब यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, अंग्रेज यहाँ से चले जाओ, अंग्रेज भारत को छोड़ दो, अंग्रेजों भारत को छोड़ दो, अब अंग्रेजों तुम्हारा भारत में अब कोई हक नहीं है, अब हम संघ खुद बनाएंगे, हम संविधान का निर्माण खुद करेंगे, अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। तो यहाँ देखिए ये क्रिस्प प्रस्ताव था, और मुख्य कारणों के अंदर मैंने आपको पहला कारण बताया था, 1914 से 1918 प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था, 1900 प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर कांग्रेस का अलग मत था और मुस्लिम लीग का अलग मत था, कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों ने सबने इस्तीफे दिए थे और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। अगस्त 1939 के अंदर लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अगस्त प्रस्ताव भिजवाया था, मैंने अभी आपको बताया कि वो संतुष्ट नहीं कर पाए थे। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया था, विनोबा भावे अपनी एक टीम बनाए थे, जवाहरलाल नेहरू अपनी एक टीम बनाए थे, और इधर राजेंद्र प्रसाद तीसरे सत्याग्रही थे। फिर आपके सत्याग्रही की बात के बाद ये स्टेफोर्ड क्रिप्स आता है 1942 में, ये संतुष्टि प्रदान करने के लिए, संवैधानिक सुधार के मामलों को सुधारने के लिए आते हैं, और इस तरह ये तीन पॉइंट मैंने आपको बताया। भारत छोड़ा आंदोलन का डिटेल हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।